सुमेर। हाय सुमेर। दीदी आप घर पे हो ना? ऑफ कोर्स मैं घर पर हूँ, और कहाँ जाऊंगी। आपको वो हमारे क्लाइंट याद है, मिस्टर खान? मिस्टर अरदेंदु खान, ऑफ कोर्स आई रिमेम्बर, वही तो हमारे पहले क्लाइंट थे। बब्बर इंडस्ट्रीज की शुरुआत उनसे हुई थी, हमने हमारी बिजनेस की पहली नींव उनके साथ ही तो रखी, और तब से हर जनरेशन के साथ हम एक दूसरे के साथ काम ही तो कर रहे हैं। जी, हमारी कंपनी के 25 साल पूरे होने पर उन्होंने अपने विला में एक ग्रैंड पार्टी ऑर्गेनाइज की है। वाओ! तो मैंने रोशनी को उस पार्टी के लिए बुलाया है, लेकिन उसका फोन नहीं लग रहा है। मैंने उसे दिल्ली एयरपोर्ट पे मिलने के लिए कहा था। आई थॉट अगर आप घर पे हो तो मैं आपसे पूछ लूं कि वो निकली है या नहीं। हाँ, निकल गई है शायद। I saw some bags जो ड्राइवर घर के बाहर ले जा रहा था, तो और सुमेर तुम्हें तो पता है ना, मैं कौन आता है कौन जा रहा है कहाँ जा रहा है उसके बारे में कभी पूछती नहीं हूँ। So, रोशनी बैग्स लेकर निकली है, तो आई अज्यूम कि वो तुम्हारे पास ही आ रही होगी। See you soon, संजोर दीदी, हम 3-4 दिन में वापस आ जाएंगे। अब तो सुमेर के लिए वो रोशनी इतनी खास हो गई है कि उसने मुझे पार्टी में ना बुलाकर उस कल की आई हुई रोशनी को बुलाया, मुझे एक बार पूछा तक नहीं। ये तुमने अच्छा नहीं किया सुमेर, अब मुझे जरूर कुछ ना कुछ करना पड़ेगा इससे पहले कि ये दोनों बहनें ज्यादा उड़े, दोनों के पर काटने पड़ेंगे। चांदनी और रोशनी की चाशनी का रस अब मेरे ही हाथों खत्म होगा। जी पापा जी, डोंट वरी, इस बार ये प्लान पक्का काम करेगा। एंड आई एम श्योर रोशनी कुछ दिन आपके साथ रहेगी तो उसके सारे गिले शिकवे भी दूर हो जाएंगे। एंड आई एम सो हैप्पी कि आप दोनों को फाइनली अकेले में कुछ टाइम मिल पा रहा है, क्योंकि कुछ दिन से इस घर में कोई ना कोई ड्रामा तो हो ही रहा है। आप दोनों साथ में रहेंगे तो आप दोनों को अच्छा लगेगा। एंड यस, वंस अगेन कांग्रेचुलेशंस। 3-4 दिन रोशनी अगर पापा जी के साथ रहेगी ना, तो उनके रिश्ते में जो भी प्रॉब्लम्स है ना, वो सब सॉर्ट हो जाएंगी। और अगर रोशनी पापा जी के साथ रहेगी तो मेरे लिए भी अच्छा, क्योंकि छोटी पापा जी के साथ बिल्कुल सेफ है। मानव, मैंने तुमको कल ही इन्फॉर्म कर दिया था कि आज के सेमिनार के प्लान के बारे में मुझे बता देना, अब तुम मेरे कॉल का आंसर ही नहीं कर रहे। ये तो आधा घंटा लेट है मानव, और अब मेरा कॉल भी पिक नहीं कर रहे। लगता है उनको बात करने में इंटरेस्ट ही नहीं है। मानव, तुमसे आज मिलने के लिए ना मैंने सब अरेंज करके रखा था, बेस्ट आउटफिट, बेस्ट बैग, बेस्ट फुटवेयर और बेस्ट मूड, पर तुम मेरे कॉल का आंसर ही नहीं कर रहे। रिलैक्स निशा, व्हाई आर यू थिंकिंग सो मच, इट्स नथिंग, इग्नोर दिस फीलिंग, रिलैक्स। क्या सोचा था आफ्टर कंप्लीटिंग फोटोग्राफी सेमिनार विद मानव, अब मुझे ये नूडल्स खाना पड़ रहा है। अरे नमस्ते बबला मौसी। नमस्ते बेटा, कैसी हो? मैं बढ़िया, आप कब आए और कैसी रही शादी? मैं अभी आई, शादी बहुत अच्छी थी, बस तेरी फिक्र लगी हुई थी, निशा कैसी होगी, उसे अच्छा अच्छा खाना बनाकर कौन खिलाता होगा। अरे मैं भी आपको बहुत मिस कर रही थी, और अब आप आ ही गए हो तो मुझे अपने हाथ से अच्छा अच्छा खाना बना के खिलाना। हाँ हाँ, क्यों नहीं। लगता है मेरा उपटन काम कर गया है, बहुत खूबसूरत लग रही हो। चंदन का उपटन लगाती हो ना, या कोई और बात है? अरे खूबसूरत तो आप हो, एक नंबर हीरोइन जैसी। अच्छा। मैं क्या हीरोइन हूँ, बुढ़ापा आ गया है। अरे यू क्या खा रही है, मैं तेरे लिए अच्छा अच्छा। अरे अरे, आज मेरा अच्छा खाने का मन नहीं है, क्योंकि मेरा मूड भी कुछ ऐसा ही है। कोई बात नहीं बेटा, मैं अभी तुम्हारे लिए कुछ अच्छा बनाती हूँ।
निशा, क्या बात है, इतने सारे नूडल्स और ये सब क्या है? Oh man, there is a lot of stress. Stress? क्या हुआ? Actually, मैं आज मानव के साथ फोटोग्राफी सेमिनार में जाने वाली दोस्त के साथ जाने वाली थी, पर है ना मानव नया है ना शहर में, तो मैंने सोचा उसके साथ जाती हूँ और उसको शहर भी दिखा दूंगी, और अब वो फोन नहीं उठा रहा है, तो ना मैं अपने दोस्तों के साथ जा पाई और ना मानव। आपको तो पता है ना बैब्स, लास्ट मोमेंट जब प्लान कैंसिल होता है तो पूरा मूड खराब हो जाता है। वही यार, और आजकल मेरे दिन बैक टू बैक खराब हो जा रहे हैं, और मेरी मॉम मेरे लाइफ प्लान चेंज करने में बैठी है कि बिजनेस स्टडी करो। अरे बट मुझे नहीं है इंटरेस्ट, आई लव फोटोग्राफी, और वो मेरी बात समझती नहीं है। निशा, तुम्हें अपनी लाइफ में कुछ भी करना है ना, तुम अच्छे से करो। और रही बात तुम्हारी मॉम की, वो तुम्हारे पैशन को अच्छे तरीके से समझ लेंगी, बस उनको थोड़ा टाइम दो। एंड मानव, आई नो हिम वेरी वेल, वो थोड़ा काम में फंस गया होगा इसलिए तुम्हारा कॉल नहीं उठा रहा है या फिर आया नहीं है, लेकिन वो जैसे ही फ्री होगा वो तुम्हें कॉल करेगा, तुम फिक्र मत करो। एंड इफ यू नीड एनीथिंग, यू नो ना योर बैब्स इज ऑलवेज देयर, सो डोंट वरी, टेक केयर। देखिए, आपके डिजाइन फायर प्रोटोकॉल के हिसाब से सही नहीं है, आपको इन पर रिव्यू करना बहुत जरूरी है। जी नहीं, मैं आपके इस फाइल को किसी भी हालत में अप्रूव नहीं कर सकता। देखिए, आज मेरा ऑफ डे है, फिर भी मैं आपकी फाइल चेक करने यहाँ ऑफिस में आया हूँ। मैंने सोचा अगर आपकी कलेक्शंस कंप्लीट हो चुकी होंगी तो आपको अपनी ओपनिंग पोस्टपोन नहीं करनी पड़ेगी, बट आई एम सॉरी, कल की ओपनिंग आप कैंसिल कर दीजिए, वरना मुझे मजबूरन पुलिस को इन्वॉल्व करना पड़ेगा इस मैटर में। थैंक यू। चांदनी का मैसेज। मानव लिसन, निशा बहुत अपसेट है क्योंकि तुम आज उसके साथ फोटोग्राफी के लिए नहीं जा पाए। उसने तुम्हें कई बार कॉल भी किया, प्लीज टॉक टू हर ना। निशा के 5 मिस कॉल्स, ओह गॉड, आई टोटली फॉरगॉट। निशा से मैंने बात नहीं की, उसे कितना बुरा लग रहा होगा। क्या करूं, आपको समझ में नहीं आ रहा। विमला, ये सिल्वर स्पून के सेट में से एक स्पून मिसिंग है, कहाँ है वो स्पून? मुझे नहीं पता मैडम, जितना था वो सब मैंने बाहर निकाला है। विमला, ये सिल्वर डिनर सेट मैंने स्पेशली आज रात के लिए ही निकलवाया है, तो सच सच बता दो वो सिल्वर स्पून कहाँ है? ये सुमेर ने सबको सर पे चढ़ा रखा है। देखो, मुझे पता है आजकल तुम्हारे पास पैसों की कमी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरे घर में चोरी करो। मैं ये हरकत बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगी, तो सच सच बता दो, अगर तुमने चोरी की है तो मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगी, ये याद रखना। संचोद, बस इन सब मामलों से तुम दूर ही रहो तो ही अच्छा होगा। ये हमारे घर के पुराने सर्वेंट हैं, मैं अच्छी तरह से जानती हूं इनके मुंह से सच कैसे निकलवाना है। संचोदी, मुझे नहीं लगता है विमला मौसी ने चोरी की है। अच्छा, अगर तुम्हारी विमला मौसी ने चोरी नहीं की तो ये सिल्वर स्पून गई कहां? जमीन में समा गई या आसमां उड़ा ले गया इसे? मैं तलाशी लो इसकी। नहीं थी, विमला मौसी ने चोरी नहीं की है। चांदनी, जरूरी नहीं तुम हर बात पे अपनी टांग अड़ाओ, संजोत दी हैंडल कर रही है ना, तुम जाओ यहाँ से। मेहर थी, अगर मैं कुछ बोल रही हूँ तो उसके पीछे कोई रीजन है। मेहर, तलाशी लो इसकी। एक मिनट, आपको स्पून चाहिए ना? ये ना आपका स्पून। मैंने अभी जब स्पून सेट देखा तो मुझे याद आया कि मैंने ये स्पून कहीं देखा था। ये स्पून निशा के रूम में था। निशा, ये स्पून तुमने कहां से ली? मैं किचन से जा रही थी तो मैंने ये स्पून देख ली और ले लिया, पर क्या हो गया, एक स्पून के लिए इतने सारे लोग डिस्कस कर रहे हैं। कुछ नहीं हुआ है, चुपचाप अपने कमरे में जाओ और जो फाइल दी है उसे स्टडी करो, निकलो यहाँ से।
संजोति, मैंने आपसे कहा था ना, फिमला मौसी चोरी करना तो दूर की बात है, चोरी करने के बारे में सोच भी नहीं सकती। आपने बेमतलब के उनको इतना सुना दिया। बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। आइए विमला मौसी। दी, ये तो आप पर हावी हो गई। आज मेरे ही घर में तुमने मुझे नीचा दिखाया है। चांदनी, जब तक तुम रोशनी से भिड़ रही थी ठीक था, लेकिन तुम्हें मुझसे पंगा नहीं लेना चाहिए था। तुम्हारी लाइफ की सबसे बड़ी गलती की है तुमने आज मुझसे पंगा लेकर। अब देखती जाओ, मैं खुद कुछ नहीं करूंगी, लेकिन किसी को बेइज्जत करने से बड़ी ह्यूमिलेशन कोई और नहीं हो सकती। मैं और रोशनी बचपन से बेइज्जत होते आए, ह्यूमिलेट होते आए, इसलिए मुझे पता है किसी के बेइज्जत करने से खुद पे क्या बीतती। बेचारी मौसी तो वफादारी से अपना काम ही कर रही थी ना, फिमला मौसी को पैसों की जरूरत है, उनके घर में अभी शादी हुई है तो उनके सारे पैसे खत्म हो चुके, और वो इस घर में सबसे पुरानी और सबसे वफादार हेल्पर, इसलिए उनकी हेल्प करना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। मौसी, अरे चांदनी बेटा, कुछ चाहिए? चाय बना दूं, नींबू पानी या फल काट के दे दूं? ये क्या? मौसी, मैं जानती हूँ कि आपको अभी पैसों की जरूरत है, और मैं ये भी जानती हूँ कि आप बहुत खुददार हैं, तो आप इन पैसों को सिर्फ उधार समझ के रख लीजिए। आपके पास जब भी पैसे होंगे आप मुझे वापस दे दीजिएगा। मैं जानती हूँ कि आपके घर में अभी शादी हुई है और आपका पोता भी अभी बाहर गया, तो आपको पैसों की जरूरत होगी। अगर आपको और पैसों की जरूरत होगी ना, तो आप मुझे बता दीजिएगा, और पैसों के अलावा किसी चीज की भी आपको हेल्प चाहिए हो ना, तो मैं हमेशा आपके साथ खड़ी हूँ, बाहर जो कुछ भी हुआ। संजोत जी की तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। बेटा, तुम क्यों माफी मांग रही हो? मुझे इन पैसों की जरूरत नहीं है। उसे मना मत कीजिए, प्लीज रख लीजिए। बेटा, मैं पैसे लेने से इसलिए मना कर रही हूँ क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले रौनक पापा आए थे और उन्होंने मुझे ये पैसे दिए हैं। उन्होंने ही मेरे पोते को विदेश जाने के लिए टिकट दिया, उसके रहने का इंतजाम किया। रौनक बाबा बहुत नेक दिल इंसान है, भगवान उन्हें हमेशा खुश रखे। इसलिए बेटा, इन पैसों में मेरा गुजारा हो जाएगा, तुम फिक्र मत करो। मैं बहुत खुश हूँ कि रौनक ने आपके बारे में सोचा और आपकी हेल्प की। बेटा, आप दोनों पति पत्नी बिल्कुल एक जैसे हो, हमेशा दूसरों की फिक्र करते हो, दूसरों का भला सोचते हो। भगवान आप दोनों की जोड़ी हमेशा बनाए रखे। मौसी, मेरी खुशी के लिए रख लीजिए। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।